अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़र और आज हम वीडियो बना रहे हैं केबल साइज़ के ऊपर। पहले हम स्टडी करेंगे वायर साइज़। हमारे वायर साइज़ में यूज़ हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, 1.5 स्क्वायर एमएम, 2.5 स्क्वायर एमएम, 4 एमएम एंड 6, 10। ये वायर यूज़ की जाती है ज़्यादातर। 1.5 ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लाइट की हाफ़ के लिए, या 2.5 का जो फेस रहता है उसके साथ अर्थ जो यूज़ करेंगे वो 1.5 की यूज़ करेंगे। सही, यानी जैसा कि ये आप देख रहे हैं 4 स्क्वायर एमएम में वायर है तो हम यूज़ करेंगे इसके साथ 2.5 का अर्थ। अगर 6 की फेस वायर है तो अर्थ वायर होगी 4 की, यानी एक नंबर पीछे वाला अर्थ वायर रहेगी। सही, उसके बाद आगे आ जाएं। आगे हम शुरू करते हैं केबल। केबल साइज़ होगा हमारा 6 से शुरू हो जाता है वैसे तो, 4 सिंगल कोर में, डबल कोर में, 3 कोर 4 कोर, 6 स्क्वायर एमएम, 10 स्क्वायर एमएम, 16 स्क्वायर एमएम, 25 स्क्वायर एमएम, 35 स्क्वायर एमएम, 50 स्क्वायर एमएम, 70 स्क्वायर एमएम, 95 स्क्वायर एमएम, 150 स्क्वायर एमएम, 120, 150 स्क्वायर एमएम, 185 स्क्वायर एमएम, 240 एंड 300 स्क्वायर एमएम। अब ये देखिए 10 स्क्वायर एमएम केबल के लिए हम यूज़ करते हैं 20 एमएम का ग्लैंड, ये ग्लैंड साइज़ है। और 16 स्क्वायर एमएम के लिए यूज़ करते हैं 25 एमएम का ग्लैंड होता है ये। और 25 की जो केबल है 4 कोर, उसके लिए यूज़ करते हैं 32S में ग्लैंड। उसके बाद 35 की जो केबल है 4 कोर, उसके लिए हम यूज़ करेंगे 32L में, ये ग्लैंड का साइज़ है 32L। उसके बाद ये 50 की जो केबल है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे 40S में, या 40 कह लें आप इसे, 40। उसके बाद 70 स्क्वायर एमएम की जो केबल है, उसके लिए हम 40L में यूज़ करेंगे। 95 स्क्वायर एमएम में 50S का यूज़ करेंगे। 120 स्क्वायर एमएम केबल के लिए 50L का यूज़ करेंगे। उसके बाद 150 केबल है जो, 150 के लिए 63S का, और 185 स्क्वायर एमएम केबल के लिए 63L का यूज़ करेंगे। ये केबल ग्लैंड है, ठीक है। और 240 की जो केबल है उसके लिए 75S का, और 300 के लिए 75L का। और इससे ऊपर जितनी भी केबल होगी, यानी 400 की है, 500 स्क्वायर एमएम में है, या 6 में है, या 8 में है, या 1000 स्क्वायर एमएम की है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं 90, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये देखिए, आगे हमने कुछ ग्लैंड टाइप्स लिखी हुई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ग्लैंड टाइप्स। VW टाइप जो ग्लैंड है ना, केबल ग्लैंड, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद है CW टाइप केबल ग्लैंड, उसके बाद है A1 एंड A2 टाइप केबल ग्लैंड, सिंगल कंप्रेशन केबल ग्लैंड, डबल कंप्रेशन केबल ग्लैंड, उसके बाद फ्लैम प्रूफ केबल ग्लैंड, उसके बाद E1W टाइप केबल ग्लैंड, उसके बाद फ्लैंज टाइप केबल ग्लैंड, उसके बाद है PG टाइप केबल ग्लैंड, उसके बाद है मैरीन टाइप केबल ग्लैंड, उसके बाद है मैट्रिक थ्रेडेड केबल ग्लैंड, उसके बाद है वेदर प्रूफ केबल ग्लैंड, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ ये जो भी आपको बताया जा रहा है इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, और अपने आगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड दोस्त हैं, आप उनसे शेयर कीजिए, और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी केबल पे कितना लोड डाला जा सकता है, ठीक है। आप पहले इन ये जो पूरा चार्ट है आप इसको याद कीजिए, और कमेंट्स करके बताइए कि आपने याद किया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो अपडेट करेंगे वो करेंगे लोड के बारे में, कौन सी वायर पे कितना लोड डाल सकते हैं, कितने एम्पीयर तक, कौन सी केबल पे कितना लोड डाला जा सकता है,
आपको टेम्परेचर के मतलब समझाएंगे, कितने टेम्परेचर पे कितनी लेंथ हो और कितना लोड डाला जा सकता है, आपको तमाम फार्मूले बताएंगे। सो प्लीज़ सबसे पहले तो इसको याद कीजिए, ओके। उसके बाद हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह करें आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो डिसलाइक करके हमें बताएं कि वीडियो में क्या फॉल्ट है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे आपको भी फ़ायदा होगा और जो आपके दोस्त हैं इलेक्ट्रिकल, यानी दुबई में, सऊदी अरब में, कुवैत, बहरीन, मस्कत, ओमान, इन सब दोस्तों को फ़ायदा होगा। वीडियो आगे लाजम शेयर कीजिए। सो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।